अंबाला के नंबर वन वेब चैनल अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर अब 1.5 लाख से भी ज्यादा दर्शक हैं। आपके शहर की हर ताजा खबर अब आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ambalabreakingnews.com पर। आप अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर से भी हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको आपके शहर की हर ताजा खबर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त अंबाला छावनी में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल अवैध रूप से भ्रूण की जिलिंग जांच करने के मामले में एक अल्ट्रासाउंड केंद्र पर अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से यमुनानगर की जो स्वास्थ्य टीम है उसके साथ मिलकर छापेमारी की और वहाँ पर जो लोग हैं वो लिंग जाँच करवाने के लिए पहुँचे थे उनको पकड़ लिया गया है। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं 30,000 रुपये में जो वहाँ पर लिंग की जाँच है वो करने की बात जो है वो शुरुआत जांच में अभी तक सामने आ रही है। हालांकि ये जो शख्स यहां पर भ्रूण की लिंग जांच करवाने पहुंचे थे उन्होंने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस की मदद से स्वास्थ्य विभाग ने उस पर उसे काबू कर लिया। और फिलहाल जो मामला है इसकी पूरी छानबीन की जा रही है। अल्ट्रासाउंड केंद्र में इस समय अंबाला और यमुनानगर की स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है और पूरी जो है तहकीकात की जा रही है कि आखिर कब से यहां पर यह काम चल रहा है, क्योंकि सरकार ने सीधे तौर पर जो है भ्रूण लिंग जांच पर पाबंदी लगा रखी है। गैरकानूनी एक अपराध बनाया गया है इसे, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छुपे लोग जो है वो इस काम को अंजाम देते हैं। और उसी पर स्वास्थ्य विभाग जो यमुनानगर है उसकी तरफ से अंबाला स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई थी कि इस तरह का एक मामला अंबाला छावनी में टांगरी नदी के आसपास कहीं ना कहीं हो रहा है। तो दोनों जिलों की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और अब जो अल्ट्रासाउंड केंद्र है जहां पर भ्रूण लिंग जांच की जा रही थी वहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच चुकी हैं और एक व्यक्ति जो है वो काबू कर लिया गया। अब अल्ट्रासाउंड केंद्र जो है उसकी जो तहकीकात है वो वहां पर की जा रही है कि अल्ट्रासाउंड केंद्र जो है वो लीगल है या इलीगल है, किसी तरह की उसके दस्तावेजों में वहां पर जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो देखे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए बात करेंगे अंबाला के CMO से। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मामला था और किस तरह का एक्शन लिया गया है? आज स्वास्थ्य विभाग को यमुनानगर के स्वास्थ्य विभाग से सूचना मिली थी अभी कोई टाउट्स टांगड़ी पार्क इलाके में कहीं पे अल्ट्रासाउंड जांच करवाने के लिए अवैध रूप से लिंग जांच करवाने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने हमारे को जैसे ही अंबाला ज़िले में उन्होंने प्रवेश किया जो डकैत कस्टमरों का टाउट ने यमुनानगर की टीम उनका पीछा कर रही थी तो हमारी टीम उनके साथ होली। जब वो टांगड़ी पार इलाके में पहुँचे तो एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के ऊपर उनका अल्ट्रासाउंड किया गया जहाँ पे 30,000 रुपये का लेन देन हुआ था। टाउट मौके से भाग गया था सहा एरिया में, लेकिन पुलिस की मदद से टाउट को पकड़ लिया गया, अब अल्ट्रासाउंड सेंटर पे लाया गया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर में ये देखा जा रहा है कि भाई अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले ने पैसे लिए हैं कि नहीं लिए, उनसे पैसे बरामद हुए हैं कि नहीं हुए, ये टीम मौके पर कार्रवाई कर रही है। और लेकिन अल्ट्रासाउंड सेंटर में अगर और कोई खामियां मिली तो अल्ट्रासाउंड सेंटर को कुछ समय के लिए सील किया जा रहा है। और ये कार्रवाई संयुक्त रूप से जिला अंबाला और जिला यमुनानगर की स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही है। सर, अगर अल्ट्रासाउंड केंद्र में कोई कमी पाई जाती है तो किस तरह की कार्रवाई की? अगर अल्ट्रासाउंड केंद्र में कमी पाई जाए तो अल्ट्रासाउंड को उसे हम सस्पेंड भी कर सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं और FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। अभी जो है अभी टीम को ये कहा है टाउट के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जो पैसे का मामला है कि पैसे कहाँ से बरामद होते हैं, ये कार्रवाई पुलिस के साथ मिलकर अंबाला और यमुनानगर की दोनों की टीमें कर रही हैं। तो ये थे अंबाला के CMO कुलदीप सिंह जो बता रहे थे कि किस तरह अंबाला और यमुनानगर की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई जो की है वो चल इस समय जारी है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब पूरी तरह से छानबीन कर रही हैं। वहीं अगर अल्ट्रासाउंड केंद्र में किसी भी तरह की बड़ी खामी पाई जाती है तो CMO ने ये भी बताया कि किस तरह की कार्रवाई वहाँ पर अमल में लाई जा सकती है। बहरहाल आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।